स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल एग्जामिनेशन बुद्धा पर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ड्रेक पैसेज के बारे में। ये आखिर ड्रेक पैसेज है क्या? अभी हाल में 6 लोगों ने जो है ड्रेक पैसेज को 2 वीक्स में क्रॉस किया है और इस तरह से उन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो यही देखेंगे कि जो ड्रेक पैसेजेस की लोकेशन कहाँ है और ये इतना डिफिकल्ट क्यों माना जाता है। लास्ट ईयर इंडिया से भी हमारे विमेन सेलर्स ने, हमारी इंडियन नेवी टीम की जो है जो विमेन टीम है उन्होंने INS तारिणी से इसको इसे क्रॉस किया था ड्रेक पैसेज को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो ड्रेक पैसेज की लोकेशन है ये लोकेटेड है कहाँ? ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और जो है नॉर्थ एंटार्क्टिका के बीच के रास्ता में लोकेटेड है, के बीच में लोकेटेड है। दिस पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन केप हॉर्न एट द टिप ऑफ साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिक पेनिनसुला। देख सकते हैं केप हॉर्न है और ये अंटार्कटिक पेनिनसुला का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके बीच में ड्रेक पैसेज लोकेटेड है। ये जो पैसेज है, ये जो ड्रेक पैसेज, ये अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर तक है, 800 किलोमीटर तक का रास्ता है। तो दोस्तों इसका नाम जो है ड्रेक पैसेज क्यों रखा गया? इसका नाम जो है रखा गया है सेंट फ्रांसिस ड्रेक, जो कि एक इंग्लिश मैन थे जिन्होंने पूरे विश्व की, पूरे ग्लोब की यात्रा की थी और यहाँ से वो सबसे पहले थे जो क्रॉस किया था जिन्होंने, तो उनके नाम पे ये ड्रेक पैसेज रखा गया। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ की जो एवरेज डेप्थ होती है वो होती है 11,000 फीट। 11,000 फीट आप इमेजिन कर सकते हैं कि 11,000 फीट कितना ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा डेप्थ है यहाँ पर वो है 15,600 फीट नियर द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न बाउंड्रीज। तो चलिए देखते हैं कि ये ड्रेक पैसेज जो है आखिर इतना ट्रेचरस क्यों है, इतना जोखिम भरा क्यों है, इसे पार करना इतनी बड़ी बात क्यों है। आई होप आपको ये लोकेशन समझ में आ गया होगा। ये लोकेटेड किधर है? पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में। और ऐसे हम देखें तो केप हॉर्न एट द टिप ऑफ साउथ अमेरिका और एंटार्कटिक पेनिनसुला के बीच में। ये इतना जोखिम भरा क्यों है? आप देख सकते हैं इस फोटो में कितने आइसबर्ग्स हैं, स्नो है, स्नो हिल्स हैं और ये स्टॉर्म नीचे, ये सब ड्रेक पैसेज के रास्ते में आता है। इसे दुनिया का सबसे रफेस्ट वाटरवे माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साउथ से कोल्ड वाटर फ्लो होता है और नॉर्थ से हॉट वाटर, वार्म वाटर, वार्म सी वाटर फ्लो होता है। और जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो ये एडीज का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? एडीज का। और जब ये एडी स्ट्रांग विंड के साथ कंबाइन होती है तो क्या होता है, स्ट्रांग जो है वहाँ जो तूफान है वो काफ़ी जोखिम बड़ा बन जाता है और जो लोग क्रॉस करते हैं उसको नेविगेट करने की कोशिश करते हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसे दुनिया का सबसे नैरोएस्ट स्ट्रेच माना जाता है साउदर्न ओशन में, जो कि 800 किलोमीटर तक की जिसकी दूरी है बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड द वेस्ट एंटार्कटिक पेनिनसुला। यहाँ की जो जो वाटर्स हैं, जो ड्रेक पैसेज पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के जो बीच में है उसमें क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी हाईली टर्बुलेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है और वहाँ पर जो फ्रिक्वेंटेड जो है फ्रिक्वेंटली आइसबर्ग्स और सी आइस देखने को मिलते हैं। इन सब रीजन से जो है ड्रेक पैसेज काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी जोखिम बड़ा होता है क्रॉस करना। पर अभी न्यूज़ यही है कि 6 लोगों ने इसे क्रॉस किया है विद इन 2 वीक्स, विच इज़ अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप इस फोटो में देखेंगे ये आइसबर्ग है, ये स्नो माउंटेन्स और ये वाटर देखिए, वाटर कैसी है यहाँ पर, थिक लेयर ऑफ आइस। तो ऑफकोर्स ये नेविगेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा। दूसरे इमेज में अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉर्म जो है ये बिकॉज ऑफ द एडीज एंड द स्ट्रॉन्ग एयर, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये ऐसा स्टॉर्म लाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे। आपको ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में, ड्रेक पैसेज के बारे में जानना था हमें। और आई होप आपने वीडियो लाइक किया होगा, आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।